अमित शाह ने ट्वीट किया है कि अरुण जेटली जी के निधन से अत्यंत दुखी हूं, जेटली जी का जाना मेरे लिए ये एक व्यक्तिगत क्षति है, उनके रूप में मैंने न सिर्फ संगठन का एक वरिष्ठ नेता खोया है, बल्कि आपको बता दें कि ये अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने ये ट्वीट किया है, बल्कि परिवार का एक ऐसा अभिन्न सदस्य भी खोया है जिनका साथ और मार्गदर्शन मुझे वर्षों तक प्राप्त होता रहा है। तो बेहद दुख के साथ अमित शाह ने ये ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा भी है कि उनके निधन से अत्यंत दुखी हूँ, जेटली का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। ये बयान करता है आप अपने आप में कि कितनी बड़ी क्षति बीजेपी को हुई है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, अरुण जेटली एक राजनीतिक दिग्गज थे, वो एक मुखर नेता थे जिनका योगदान अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है कि उनका निधन बेहद दुखद है, उनकी पत्नी संगीता और बेटे रोहन से बात कर संवेदना व्यक्त की है, ओम शांति। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दुख जताया है। और हमारे साथ फोन लाइन पर साध्वी निरंजन ज्योति बीजेपी के सांसद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। निरंजन जी, बहुत बड़ी क्षति इसको कह सकते हैं, क्योंकि अरुण जेटली एक तरीके से बीजेपी के रणनीतिकार भी रहे थे। जी साध्वी जी, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है। जी निरंजन जी, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है अरुण जेटली का निधन हुआ है, बेहद और बहुत ही बड़ी ये क्षति है भारतीय राजनीति को और खास तौर पे बीजेपी को, क्योंकि कह सकते हैं कि बीजेपी के रणनीतिकार का निधन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लिए और व्यक्तिगत मेरे लिए भी, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। मैं 2014 से 19 के बीच में उनके साथ में काम किया है जी। और मैं कह सकती हूँ कि एक चौमुखी प्रतिभा धनी को खोया हमने जी, जिनकी एक प्रतिभा थी, हर क्षेत्र में पकड़ थी, और जिनका संकट मोचन के रूप में बोला जा सकता था जी, कि हर परिस्थिति को कैसे समाधान उसका निकालना। मैं ये कह सकती हूँ कि जब तक हमारा देश रहेगा तो उनको GST कैसे उसको सबको राजी करके और उसको GST को पास करवाना जी। और बहुत सारे संस्मरण है जिनको मैं फोन से नहीं कह सकती हूँ आज इस दुख की घड़ी में जी। उनके परिवार के साथ में, उनके परिवार का तो एक बहुत बड़ी क्षति हुई है हमारी पार्टी के लिए और हमारे लिए और मेरे लिए व्यक्तिगत जी, क्योंकि हम लोग तो बहुत कुछ उनसे सीखते थे कि कैसे राजनीति में एक अच्छा नेता बना जाता है जी। निरंजन जी, आपने यहाँ पे सीखने की बात की, अगर उनके व्यक्तित्व की बात करें और आपसे जाने, तो आपको उनके व्यक्तित्व में क्या ऐसा खास लगा? हालांकि उनकी अगर बात करें व्यक्तित्व की, तो उन्होंने जब वो अटल सरकार के समय में कानून मंत्री थे और मोदी सरकार के समय में वित्त मंत्री थे, दोनों ही समय में उन्होंने अपनी धाक जमाई, लेकिन अगर आपकी अपनी पर्सनल बात करें, तो आपकी सीखने की बात कर रही हैं, आपने क्या उनकी शख्सियत उनकी आपको ऐसी लगी? देखिए, मैं उनकी शख्सियत से तो मैं इतने कह सकती हूँ कि समाज में और राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति के लिए एक उनसे बहुत कुछ प्रेरणा मिलती थी और लेना चाहिए। और एक आपको याद होगा कि जब दिल्ली में मेरा बयान आया था जी, उस समय मेरा पक्ष लेकर के इतना राज्यसभा में उन्होंने तथ्यात्मक तरीके से रखा था, और मुझे उस समय ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई भाई या बाप बोल रहा हो जी, और मेरा कम्बल बन के खड़े हुए थे। और जब बाहर निकले, एक शब्द उनका था साथ, उनका एक शब्द था, साधी जी हम लोग इतनी दिन इस राजनीति में काम कर रहे हैं, तुमने तो आके धमाका कर दिया, पूरे देश में चर्चा का विषय हो गया अब तुम्हारा। मैं कुछ कह नहीं सकती, इतने मेरे पास शब्द नहीं है जी। लेकिन एक वकील अच्छा कहें या राजनेता अच्छा कहें या संकट मोचन के रूप में कहें, अच्छा कार्यकर्ता कहें, जो भी हम विशेषण दें वो कम है उनके लिए, जेटली जी के लिए। और मेरे व्यक्तिगत परिवार के अभी क्या उम्र थी 66 वर्ष की जी। तो मैं तो बड़ी शब्दों में तो क्षेत्र रास्ते में जा रही थी, रास्ते से लौट के वापिस आ रही हूँ।
बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि जीवन से भरपूर और बुद्धि से भरपूर हास्य और एक महान भावना, ये उन्होंने तीसरा ट्वीट किया है। अरुण जेटली के निधन पर अरुण जेटली जी को समाज के सभी वर्गों ने सराहा। भारत के संविधान, इतिहास, सार्वजनिक नीति, शासन और प्रशासन में उनका ज्ञान सराहनीय है। तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, जीवन से भरपूर और बुद्धि से भरपूर हास्य और एक महान भावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी और चहेते भी माने जाते थे अरुण जेटली। अरुण जेटली जी को समाज के सभी वर्गों ने सराहा। भारत के संविधान, इतिहास, सार्वजनिक नीति, शासन और प्रशासन में एक महान भावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। तो लगातार आपको बता दें कि अरुण जेटली जी के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। बीजेपी में तो है ही, बल्कि पूरे देश में शोक की लहर है। और बीजेपी के लिए कह सकते हैं ये दूसरा झटका है, क्योंकि कुछ दिन पहले सुषमा स्वराज ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था और अब अरुण जेटली दुनिया को अलविदा कह दिया। काफी लंबे समय से वो बीमार थे और आज उनका निधन हो गया। दोपहर 12:07 पर उनका निधन हो गया। तमाम ऐसी योजनाएं वो अपने कार्यकाल में लेकर आए जिनके लिए वो भविष्य में जाने जाते रहेंगे, और समाज के लिए भी वो योजनाएं अच्छी मानी जाती रहेंगी। तो आपको बता दें कि मुद्रा योजना की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे उन्होंने पूरा किया और इसको सफल बनाया। और ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया है कि बीमारी से लंबी लड़ाई के बाद अरुण जेटली के निधन से दुखी हूं। एक काबिल वकील, शानदार सांसद और एक अनुभवी नेता, उन्होंने यहां पर ट्वीट किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि अनुभवी मंत्री के तौर पर उन्होंने राष्ट्र निर्माण में बड़ा योगदान दिया है। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट करके गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा है कि अरुण जेटली के निधन से दुखी हूं।